गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है आप जहाँ हैं जैसे भी हैं खुश हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक सारे ही कृषि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत सारे कृषि अभ्यर्थी रोज़ कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये बताओ खाद और उर्वरक का लाइसेंस कैसे बनवाएं, और उनके खाद और उर्वरक लाइसेंस से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो खाद और उर्वरक का लाइसेंस है वो कृषि अभ्यर्थियों के रोजगार का साधन है। जिन कृषि अभ्यर्थियों के पास रोजगार पहले से है उनके पास ये अतिरिक्त रोजगार का साधन है, नहीं ये एक अच्छा साधन है रोजगार का कृषि अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप खाद और उर्वरक का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे प्रश्न कौन कौन से रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि हम खाद और उर्वरक का लाइसेंस कैसे बनवाएं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सर हम खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन हमें प्रक्रिया नहीं पता कि हम कैसे बनवाएं। दूसरा प्रश्न आता है कहां से बनवाएं। कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट सारे होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि सर हम कहां से बनवाएं, कैसे अप्लाई करें। तीसरा प्रश्न होता है क्या बीएससी एजी जरूरी है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है खाद और उर्वरक लाइसेंस से संबंधित। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि सर इसके लिए बीएससी जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बीएससी इसके लिए जरूरी नहीं है। तो आज हम क्लियर कर लेंगे कि क्या खाद और उर्वरक लाइसेंस के लिए बीएससी जरूरी है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर मेरा अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेरा अगला प्रश्न है बिना बीएससी कैसे लाइसेंस बनवाए। अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो फिर आप किस तरह से लाइसेंस बनवा सकते हो, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो अगला प्रश्न आता है कितने पैसे लगेंगे। सबसे मोस्ट बात है पैसों की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो उनको सबसे पहले चिंता इस बात की रहती है कि सर ये बताओ कि इस प्रक्रिया में पूरी जो प्रोसेस होगी इसमें कितने पैसे लगेंगे। तो हम वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर लास्ट जो फाइनली मेरा प्रश्न रहता है, फाइनली जो मेरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो है कितने दिन लगेंगे। यानी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि सर हम बनवा लें लेकिन कितने दिन में बनकर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतने सारे प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे पहला जो प्रश्न पुटअप होता है स्टूडेंट्स, वो प्रश्न पुटअप होता है योग्यता से। अब योग्यता क्या है कि सर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि खाद और उर्वरक का लाइसेंस ले सकते हैं या बनवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं योग्यता के बारे में बात करूं तो मैं बहुत ही बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो योग्यता है वो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि सर इसके लिए क्या चाहिए, सर इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। तो बिल्कुल सही सोचते हैं कि जब आप खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपकी बीएससी किससे होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होनी चाहिए। लेकिन क्या बीएससी के अलावा जो स्टूडेंट बीएससी नहीं करते वो खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवा सकते हैं? तो हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नहीं किए या जिन्होंने अभी 12th पास किए वो स्टूडेंट्स भी खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब कैसे बनवा सकते हैं चलिए हम देखते हैं। अब मान लो कोई स्टूडेंट कैसा है नॉन बीएससी है, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स कैसा है, कोई भी स्टूडेंट नॉन बीएससी है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं की है, तो उस स्टूडेंट्स को क्या करना है खाद और उर्वरक लाइसेंस बनवाने के लिए? तो स्टूडेंट जनरली इस स्टूडेंट इसको क्या करना पड़ेगा, जो आरकेवीवाई योजना होती है, आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत हर जिले में क्या है केवीके है, केवीके में 15 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या कराया जाता है, केवीके में प्रशिक्षण कराया जाता है खाद और उर्वरक का। केवीके में क्या होता है, प्रशिक्षण होता है खाद और उर्वरक का, और वो प्रशिक्षण शायद 15 दिवसीय होता है। उस 15 दिवसीय प्रशिक्षण को करने के बाद, जो भी 15 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, उस 15 दिवसीय प्रशिक्षण को करने के बाद जो नॉन बीएससी है जिसने बीएससी नहीं की है वो स्टूडेंट्स खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवा सकता है। यहाँ आपको क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत। वो चार्ज कितना होगा, वो चार्ज होगा शायद 6500 रुपए। आपको कितने रुपए देने होंगे, आपको 6500 रुपए चार्ज देने होंगे जो गवर्नमेंट का चार्ज होता है, शुल्क होता है। उसके बाद 15 दिन का प्रशिक्षण करने के पश्चात आप खाद और उर्वरक का लाइसेंस बनवा सकते हो। अब एक प्रश्न और आता है स्टूडेंट्स कि क्या एग्रीकल्चर वाले ही इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग को कर सकता है? तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं इस चीज को आपको, इसको कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, कोई भी स्टूडेंट इस ट्रेनिंग को करके खाद और बीज का लाइसेंस
ले सकता है। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरा प्रश्न यहाँ खत्म हो गया किसका, योग्यता का। अब मैं नेक्स्ट आपके बात करूं, अगला जो मेरा प्रश्न शुरू होता है, योग्यता मैंने बता दिया आपको, नॉन बीएससी भी बनवा सकता है और बीएससी स्टूडेंट्स भी बनवा सकता है। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आता है आवश्यक दस्तावेज क्या है। अब कई स्टूडेंट्स के पास क्या है, योग्यता तो है, मान लो उन्होंने 15 दिवस की या तो ट्रेनिंग कर ली या फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, लेकिन उसके पास क्या है, आवश्यक दस्तावेज की कमी है, या उनको ये नहीं पता कि इसके लिए मुझे क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो वो चीज हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए इसके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अगर मैं आवश्यक दस्तावेज की बात करूं तो आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको अगर आपने बीएससी की है तो बीएससी एजी की क्या चाहिए आपको, मार्कशीट। बीएससी एजी की क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए। अगर आपने बीएससी की है तो क्या चाहिए, बीएससी एजी की मार्कशीट चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स आपने बीएससी नहीं की है तो आपका क्या चाहिए, आपका सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, सर्टिफिकेट जो आपने कहां से लिया है, जो आपने, मैंने बताया कि आपने आरके वीवाई योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग की है वहां से जो आपने सर्टिफिकेट लिया है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, तीसरी चीज यहाँ चाहिए आपको आधार कार्ड होना, आधार कार्ड सभी के पास होता है, तीसरी चीज क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। चौथी चीज आपको क्या चाहिए, चौथी चीज ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है। पांचवी चीज अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ बात करूं, पांचवी चीज यहाँ क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक जीएसटी नंबर बनवाना पड़ेगा अपना, आपको अपनी एक फर्म बनवानी पड़ेगी, तो आपको क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। छठवीं चीज बात करूं आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो इसमें शायद 6 फोटो लगते हैं। सातवीं चीज आपको क्या चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आप सभी के पास होगा, मोबाइल नंबर चाहिए जो कि सभी स्टूडेंट्स के पास, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी इसके इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके सभी के पास क्या होगा, मोबाइल होगा। आठवीं चीज क्या चीज के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी जनरली किसी भी प्रकार के फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक होती है। मेनली आपको क्या चाहिए, मेनली आपको बीएससी एक ही मार्कशीट या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए अपना, एक आईडी प्रूफ में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, नौवें नंबर पर आपको दुकान के फोटो चाहिए। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आपकी दुकान कोई पहले से है और उस पहले वाली दुकान पर आप क्या करना चाहते हो, खाद और बीज या उर्वरक का लाइसेंस लेना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, उस दुकान के फोटो चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, डॉक्यूमेंट आपने बनवा लिए, फिर आगे इसकी प्रक्रिया क्या है कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम आवेदन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जनरली अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो अगर आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट हैं और आपके पास योग्यता है तो आपको क्या करना है, कोई भी नजदीकी जो ई मित्र है उस नजदीकी ई मित्र पर जाना है और उस ई मित्र वाले से कह दो जनरली कि हमें खाद और उर्वरक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो वो आवश्यक आपके जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट लेकर के उसके लिए आवेदन कर देगा। क्या कर देगा, उसके लिए आवेदन। फिर प्रक्रिया आती है कि